हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सब स्टाइल पनीर टिक्का सैंडविच, जो कि अक्सर बच्चों को बहुत पसंद आता है। आए दिन बच्चे भागते रहते हैं सबवे खाने के लिए और इतना महंगा आता है बाज़ार में, तो हम इसे घर पर बनाएंगे। मैं इसमें आपको दो तरह की सॉसेस भी बताऊंगी, एक साउथ वेस्ट चिपोटलेट सॉस और एक मिंट मेयो सॉस, और साथ में हम बनाएंगे क्विक पनीर टिक्का रेसिपी। तो इस सैंडविच के लिए जो आप सॉसेस तैयार करेंगे उसे आप बहुत सारे सैंडविचेस कबाब्स में लगाकर खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाना इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे साउथ वेस्ट चिपोटले सॉस। इसके लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मेयो, रेड चिली पाउडर, ऑरिगेनो, हनी, ग्रेटेड गार्लिक, विनेगर, रेड चिली सॉस एंड टमाटो केचप, इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके सॉस बनाकर तैयार करेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स की मेज़रमेंट मैंने वीडियो में मेंशन कर दी है, आप कैप्शन में भी देख सकते हैं। हमारी साउथ वेस्ट चिपोटले ड्रेसिंग बनकर तैयार है। नेक्स्ट हम बनाएंगे मिंट मेयो। इसके लिए एक मुट्ठी भरकर पुदीना के पत्ते लेंगे, इसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़े से लहसुन की कलियाँ, 2-3 हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डालकर एक आइस क्यूब डालेंगे और थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालकर इसे ग्राइंड करेंगे। ग्राइंड करने के बाद जब इस तरह का मिक्सचर हो जाएगा, इसमें हम मिक्स कर देंगे अपनी मेयो। मेयो की आप क्वांटिटी 1/2 कप लें और फिर से इसे मिक्सर ग्राइंडर में चला देंगे और हमारी मिंट मेयो बनकर तैयार हो जाएगी। ये दोनों सॉसेस आप कोई भी सैंडविचेस, कबाब्स, बहुत तरह के डिशेस में यूज़ कर सकते हो और इसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हो 2 वीक्स के लिए। हमारी मिंट मेयो तैयार है, हमारी साउथ वेस्ट चिपोटले सॉस भी तैयार है। चलिए अब हम बनाते हैं क्विक पनीर टिक्का। इसके लिए मैंने हंकट लिया है 1/4 कप। इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, काला नमक, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट और मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को हम गरम करके फिर इसमें डालेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें अनियन, कैप्सिकम और पनीर ऐड कर देंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए इसे रखेंगे। ये जो आज सैंडविच बनकर तैयार होगा, इसे आप किसी भी पार्टी में, किट्टी पार्टीज़ में सर्व कीजिएगा। आपके गेस्ट को ज़रूर से पसंद आएगा, वो इम्प्रेस हो जाएंगे आपसे। अब हम इसे एक कढ़ाई लेंगे, 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल डालेंगे और जो हमने पनीर टिक्का की तैयारी की है इसे सौते करेंगे। हाई फ्लेम पर रखेंगे और बस 3-4 मिनट्स सफिशेंट है सौते करने के लिए। आप देखेंगे कि घी साइड्स पर रिलीज़ हो गया है, दैट मीन्स हमारा पनीर टिक्का भी बनकर तैयार है। तो चलिए अब हम सब स्टाइल सैंडविच को असेंबल करते हैं। इस तरह की ब्रेड लेंगे जो ईजिली मार्केट में मिल जाती है। अगर आपको ये नहीं मिलती तो आप कोई भी अपनी पसंद की ब्रेड ले सकते हैं। इसको मैं 1/2 कट करूँगी और सेंटर में से कट लगाकर इसे हम असेंबल करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर साउथ वेस्ट चिपोटले ड्रेसिंग लगाएंगे, इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे। इसके बाद मैं इसके ऊपर मिंट मेयो लगाऊंगी। मिंट मेयो लगाने के बाद मैंने कुछ वेजेस की चॉपिंग की हुई है, लाइक कुकम्बर, कैप्सिकम, लेटस, टमाटो एंड अनियन। इसको आप कोई भी शेप में अपने मनपसंद से चॉप करके रखें। सबसे पहले मैं लेटस लगाऊंगी, उसके बाद टमाटो, फिर कुकम्बर, उसके बाद अनियंस, कैप्सिकम और जो हमने पनीर टिक्का बना कर रखा था उसे लगा देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग कोई भी वेजेस इसमें ऐड कर सकते हो और कम भी कर सकते हो। ऊपर से थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, उसके बाद सिंपल मेयो लगाएंगे और फिर से अपनी साउथ वेस्ट चिपोटले सॉस और मिंट मेयो लगाकर इसे बंद कर देंगे। हमारा सबवे स्टाइल सैंडविच बनकर तैयार है। इसे आप OTG में बेक भी कर सकते हो या एज इट इज़ ऐसे भी खा सकते हो, तो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहे इसे ऐसे खाएं या OTG में बेक कर खाएं। ये बहुत यमी और टेस्टी बनता है और हेल्दी भी है। इसमें खूब सारी वेजेस हैं, पनीर है, तो आप इसे घर पर ही बनाएं, बच्चों को खिलाएं, सबको खिलाएं और सबसे खूब सारी तारीफ पाएं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।